पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आज सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की शिकायतों की नियमित तौर पर समीक्षा करते हुए उनका शीघ्र समाधान किया जाए, यह निर्देश जिलाधिकारी रीना जोशी ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज शिकायतों की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने जिले में बढ़ती जा रही शिकायतों के निस्तारण को लेकर तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सीएम पोर्टल में विभिन्न विभागों से संबंधित 755 शिकायतें दर्ज है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। पिथौरागढ़ के धारचूला में भोजन माता यूनियन की एक बैठक संगठन की अध्यक्षता माया थापा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही वर्ष भर प्रति माह 15,000 रुपए मानदेय भोजन माताओं का बीमा किए जाने की मांग की गई। इस दौरान अध्यक्ष थापा सहित उपस्थित सदस्यों ने कहा कि वे बीते लंबे समय से इन मांगों को करते आ रहे हैं, पर अभी तक सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने मांगों को लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई न होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक में ममता देवी, कौशल्या देवी, सुरमती देवी, जीवंती देवी, पुष्पा देवी, जसमती देवी सहित दर्जनों भोजन माताएं उपस्थित थी। 250 से मैंने काम करा, फिर 70-75 बच्चे थे, फिर एक ही भोजन माता था मैं कितने तक, दोबारा मिला एक हेल्पर, फिर बच्चे कम हुआ तो वो हेल्पर भी हट गया, और एक ली रहूँगी तो कुछ मुख्यमंत्री कुछ मिलना चाहिए मेरे को, मेरे बहू को मिलना चाहिए ये भोजन माता। या तो लगातार बदलते मौसम के चलते उच्च हिमालय में ग्लेशियरों के खिसकने का खतरा बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में रजंग के निकट ग्लेशियर खिसकने से उसकी चपेट में आए एक ग्रामीण की मौत हो गई। वर्तमान में धारचूला व मुनस्यारी के ग्रामीण कीड़ा जड़ी दोहन को उच्च हिमालय के बुग्यालों में गए हैं। इस क्षेत्र में हिमपात व ग्लेशियर खिसकने का खतरा लगातार बना हुआ है। नजंग में ग्लेशियर खिसकने से उसकी चपेट में आए धारचूला के तांकुल निवासी अम्बा दत्त की बर्फ में दबने से मौत हो गई। इस वर्ष कीड़ा जड़ी दोहन के दौरान हुई पहली घटना बताई जा रही है। पिथौरागढ़ में कैच द रेन कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी रीना जोशी ने कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को जल संरक्षण और संवर्धन के लिए तालाब बनाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करने सहित अन्य आवश्यक निर्देश जारी किए। इस दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों की टीम के निरीक्षण को देखते हुए संबंधित विभागों को 2-2 मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करने व उनका निरीक्षण वैज्ञानिकों से कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में नोडल अधिकारी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने जनपद के सभी नौले व धारों का ब्यौरा एकत्र कर इनके संरक्षण के लिए बृहद कार्य योजना तैयार करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जलागम के अधिकारियों को अभी तक किए गए कार्यों का विवरण फोटो सहित उपलब्ध कराने को कहा। नोडल अधिकारी ने बताया कि कैच द रेन प्रोग्राम के लिए बजट नहीं मिल पाया है, विभागीय बजट से ही जल संरक्षण के कार्य जारी हैं। शराब पीकर वाहन चलाने व उत्पाद मचाकर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर 48 के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान 4 व्यक्तियों राकेश कुमार, चंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह व मुकेश सिंह द्वारा लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर उप निरीक्षक प्रियंका मोनी व टीम द्वारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। बलवा कोर्ट में उप निरीक्षक मीनाक्षी देव द्वारा चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर चालक रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जिले भर में चले अभियान के तहत यातायात नियमों व मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 48 लोगों को। देहरादून के सहसपुर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। बीते साइन घर से आंगन में खेल रहे एक 4 वर्षीय बच्चे को गुलदार उठा ले गया और अपना निवाला बना लिया। गुलदार की आबादी क्षेत्र में दस्तक से वह खेल रहे बच्चे को उठाकर ले जाने से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। आज सुबह रविवार
को बच्चे का शव आम के बाग में बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर सायं ग्राम पंचायत शंकरपुर के महमूद नगर बस्ती में घर के आंगन में खेल रहे एक 4 वर्षीय एहसान पुत्र जोसीम को गुलदार उठा ले गया। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर DFO अमरेश कुमार, तहसीलदार चमन सिंह व थाना प्रभारी गिरीश कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों व कर्मियों द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, पर बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। आज सुबह खोजबीन के दौरान एहसान का शव आमबाग महमूद नगर से बरामद किया गया। दुखद घटना के बाद से बच्चे के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों से गुलदार की क्षेत्र में लगातार सक्रियता बढ़ रही थी, लेकिन विभाग उचित प्रबंध नहीं किए गए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने शीघ्र गुलदार के आतंक से निजात दिलाए जाने व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। इधर वन विभाग द्वारा गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया है। नाबालिग किशोरी का विवाह पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते रुक गया। विवाह को लेकर दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी हो गई थी और बारात दुल्हन को लेने जाती। इससे पूर्व ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला हेल्पलाइन व बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम द्वारा वर व वधु पक्ष के घर पहुंचकर परिजनों को बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। बागेश्वर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज रविवार को पुलिस को मिली सूचना पर कि ग्राम बैसाली हरसिला हाल निवासी बागेश्वर में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। सूचना पर प्रभारी ANTU उप निरीक्षक मीना रावत, महिला हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति व वन स्टाफ सेंटर की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर जानकारी ली तो पता चला कि एक नाबालिग लड़की का विवाह उडल गाँव के एक लड़के के साथ होने वाला। लड़की के जन्म प्रमाण पत्र देखने पर उसकी आयु 18 वर्ष से कम होना पाया गया, जिस पर संयुक्त टीम द्वारा विवाह को रुकवाया और नाबालिग के परिजनों की काउंसलिंग कर बाल विवाह अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिस पर परिजनों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर पुत्र के बालिग होने पर शादी करने की बात कही गई। इसके उपरांत टीम सदस्यों द्वारा लड़के पक्ष के घर जाकर इस संबंध में जागरूक किया गया और बारात लड़की के यहाँ ले जाने से रोका गया। इस दौरान टीम द्वारा अन्य लोगों को भी बाल विवाह अधिनियम उत्तराखंड पुलिस ऐप हेल्पलाइन नंबर सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देने के साथ जागरूक किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते एक नाबालिग का विवाह होने से रुक गया। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।